हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, एचटीएमएल के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक टैग्स और एचटीएमएल की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं एचटीएमएल के अंदर लिस्ट और टेबल के बारे में, कि अगर हम अपने एचटीएमएल के अंदर टेबल बनाना चाहते हैं या फिर लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो कौन सी टैग का हम यूज़ करते हैं। तो जुड़े हमारे साथ और देखते रहिए सीएस क्लास। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने एचटीएमएल की जो पहली वीडियो है वो नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी आप देख लीजिए, ताकि जो भी हम चीज़ें आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार हम एचटीएमएल के अंदर लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली एचटीएमएल के अंदर हम दो टाइप की लिस्ट क्रिएट करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। देखो, जब हमें कोई ऐसी लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है जिसके अंदर हमें नंबरिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे हम अपने लिस्ट के अंदर 1, 2, 3 या फिर ABC या फिर हम रोमन्स के अंदर 1, 2, 3 लिखते हैं, तो इस प्रकार की लिस्ट को हम ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। और अगर हमें कोई ऐसी लिस्ट क्रिएट करनी होती है जिसके अंदर हमें नंबरिंग की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर हम सिंपल कोई एरो, कोई स्टार या फिर बुलेट्स का यूज़ करके हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो उस लिस्ट को हम अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। तो इन्हीं दो लिस्ट को आज हम HTML के अंदर क्रिएट करेंगे। HTML के अंदर जब हम कोई भी लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक कॉमन टैग होता है लिस्ट का, जिसको हम li से डिनोट करते हैं। जो li टैग होता है वो सिंपल एक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। अब अगर हम उस लिस्ट को ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहते हैं तो उस li टैग को हम ol टैग के अंदर बंद कर देंगे और जो हमारी लिस्ट है वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाती है। और अगर हम अपने लिस्ट को अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहते हैं तो उस केस के अंदर हम ol की जगह पे हम ul टैग के अंदर उसको इनक्लोज कर देंगे और वो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी। इसमें जो li टैग है, जिसको हम लिस्ट टैग बोलते हैं, वो सिंपल लिस्ट के आइटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, और ol और ul ये हमारी लिस्ट को ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अगर हम अपने li टैग को ol टैग के अंदर इनक्लोज करेंगे तो वो हमारी ऑर्डर लिस्ट बन जाएगी, और अगर हम इसको ul टैग के अंदर इनक्लोज करेंगे तो ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट बन जाएगी। अब अगर हम अपनी जो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करें, तो जो ऑर्डर लिस्ट होती है उसके अंदर हमारे पास दो टाइप के एट्रीब्यूट देखने को मिलते हैं। पहला होता है टाइप और दूसरा होता है स्टार्ट। ol टैग के अंदर जो टाइप एट्रीब्यूट होता है वो हमारी लिस्ट की टाइप को रिप्रेजेंट करता है कि किस प्रकार की लिस्ट हम क्रिएट करने वाले हैं। ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो बाय डिफॉल्ट लिस्ट होती है वो हमारी 1, 2, 3 से डिनोट होती है। अगर हम अपनी लिस्ट को ABC से डिनोट करना चाहते हैं तो उस केस में हम टाइप एट्रीब्यूट को A से डिनोट कर देंगे, जिससे जो हमारी लिस्ट है वो ABC से स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हम अपनी लिस्ट को रोमन के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो रोमन के लिए हम टाइप एट्रीब्यूट के अंदर I डिनोट करेंगे और हमारी जो लिस्ट है वो रोमन नंबर से रिप्रेजेंट हो जाएगी। ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो सेकंड एट्रीब्यूट होता है वो होता है स्टार्ट एट्रीब्यूट। जो स्टार्ट एट्रीब्यूट होता है वो हमारी लिस्ट के स्टार्टिंग पॉइंट को डिनोट करता है, कि जो हम लिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन से नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम अपनी लिस्ट को 1, 2, 3 से स्टार्ट नहीं करना चाहते, उसको कहीं बीच में से मिडिल नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर हम अपने स्टार्ट एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। सपोज करो हम अपने लिस्ट को 1, 2, 3 से स्टार्ट नहीं करना चाहते, हम इसको 11 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, स्टार्ट एट्रीब्यूट के अंदर हम 11 डिनोट करेंगे और हमारी लिस्ट है वो 11 से स्टार्ट हो जाएगी। अब एक बात ध्यान में रखनी होती है कि जो हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है वो भले ही नंबर से हो या फिर ABC जैसे अल्फाबेट से हो, जो स्टार्ट एट्रीब्यूट होता है उसके अंदर हम सिर्फ नंबर ही डिनोट करेंगे। ऐसा नहीं होता कि अगर हम ABC वाली लिस्ट टाइप बना देते हैं और उसके अंदर हम D से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम स्टार्ट एट्रीब्यूट के अंदर D डिनोट कर देंगे, वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम उसको D से डिनोट करना चाहते हैं, D से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर हमें 4 लिखना होगा, तभी हमारी जो लिस्ट है वो D से स्टार्ट होगी। इसी प्रकार रोमन नंबर के अंदर होता है। रोमन नंबर के अंदर भी हम क्या करते हैं कि अगर हम अपने लिस्ट को अगर सपोज करो 10 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो 10 है वो हम रोमन नंबर के अंदर नहीं लिखेंगे, वो हम सिंपल नंबर के अंदर ही लिखेंगे, तभी हमारी लिस्ट है वो रोमन नंबर के अंदर भी 10 से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट से, जो कि सिंपली एक ही होता है, टाइप एट्रीब्यूट। जो टाइप एट्रीब्यूट होता है वो हमारे लिस्ट के जो बुलेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है कि किस प्रकार की बुलेट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। HTML के अंदर जब हम अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो टाइप एट्रीब्यूट होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सर्कल। अगर हम अपने लिस्ट को एक होलो सर्कल के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम टाइप एट्रीब्यूट को सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड होता है स्क्वायर टाइप का एट्रीब्यूट। उसके अंदर जो हमारी लिस्ट है उसके जो बुलेट्स होते हैं वो हमें स्क्वायर के रूप में दिखाई देते हैं। और तीसरा होता है डिस्क एट्रीब्यूट। उसके अंदर जो हमारे बुलेट्स होते हैं वो एक डिस्क के रूप में दिखाई देते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अगर हम कोई भी टाइप एट्रीब्यूट नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो डिस्क टाइप के बुलेट होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं, और अगर हम उनको चेंज करना चाहते हैं तो सर्कल या फिर स्क्वायर के रूप में हम उनको यूज़ कर सकते हैं।
ये थे हमारी लिस्ट के टैग कि किस प्रकार हम HTML के अंदर ordered या फिर unordered लिस्ट बना सकते हैं और किस प्रकार हम उनके एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके जो हमारी लिस्ट टाइप है उनको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं HTML की टेबल्स के बारे में कि अगर हम अपने HTML के अंदर जो टेबल है वो बनाना चाहते हैं तो हम कौन कौन से टैग्स का यूज़ करते हैं। तो HTML की जो टेबल होती है उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं और बाकी जितने भी टैग्स होते हैं वो हमारे टेबल टैग के अंदर ही इंक्लोज होते हैं। ये मान लो कि जो टेबल होती है वो पूरी की पूरी हमारी इस टेबल टैग के अंदर ही इंक्लोज की जाती है। इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा टैग होते हैं जो हम अपनी अलग अलग चीज़ को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो टेबल का टैग होता है वो सबसे मेन टैग होता है और बाकी सारे के सारे टैग इसी टैग के अंदर इंक्लोज होते हैं। टेबल का टैग यूज़ करने के बाद हम उसके अंदर यूज़ करते हैं TR टैग, जिसका पूरा नाम होता है टेबल रो। और जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि TR टैग टेबल की रो को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। टेबल रो को स्टार्ट करने के बाद हम उसके अंदर यूज करते हैं TD टैग, यानी कि टेबल डेटा। अगर हम अपने टेबल के अंदर जो डेटा डालना चाहते हैं वो डेटा हम TD टैग की हेल्प से ही डाल सकते हैं। और अगर हमारी टेबल की फर्स्ट रो है जिसको हम हेडिंग बनाना चाहते हैं उसके अंदर हम TD का यूज ना करके उसके अंदर हम TH का यूज करेंगे, जो कि टेबल हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर हम अपनी टेबल के अंदर जो फर्स्ट रो है उसको हम अगर हेडिंग बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर हम TD की जगह पे TH का यूज कर लेंगे। TH को यूज करने के बाद जो फर्स्ट रो है उसके जो वर्ड्स होते हैं वो हमें पहले ही बाय डिफॉल्ट बोल्ड देखने को मिलेंगे, जिससे हमारी जो टेबल है उसका जो लुक है वो एक अट्रैक्टिव लुक बन जाता है और हमें किसी प्रकार के बोल्ड टैग यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जितने कॉलम हम अपने टेबल के अंदर बनाना चाहते हैं उतने ही TH टैग हम अपने फर्स्ट रो में यूज कर सकते हैं। और जब हमारी जो फर्स्ट रो है वो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम अपना जो TR टैग उसको क्लोज कर देंगे और सेकंड रो के लिए हम फिर से अपने जो TR टैग है वो स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर अब की बार हम TD का यूज करेंगे, यानी कि टेबल डेटा। जो TD का टैग होता है उसको हम टेबल डेटा का टैग बोलते हैं, जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अब जो भी डेटा हम अपने टेबल के अंदर डालने वाले हैं वो हम TD टैग के अंदर इनक्लोज कर लेंगे और जैसे हमने TH टैग यूज किए थे उसी प्रकार हम TD टैग यूज करेंगे और सभी कॉलम कंप्लीट होने के बाद हम अपने TR टैग को क्लोज कर देंगे और हमारी सेकंड रो बन जाएगी। इसी प्रकार जितने हम अपने टेबल के अंदर रो इंसर्ट करना चाहते हैं उतने ही हम TR टैग यूज़ कर सकते हैं और जितने कॉलम हम अपने टेबल के अंदर यूज़ करना चाहते हैं उतने ही स्टार्टिंग में हम TH टैग का यूज़ करेंगे और उतने ही TD टैग हम अपने टेबल के अंदर यूज़ करेंगे। इसलिए जब हम HTML के अंदर टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके अंदर हमें ये चार टैग यूज़ करने होते हैं। सबसे पहला होता है टेबल टैग, जो कि पूरी की पूरी टेबल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद होता है TR टैग, जो टेबल की रो को डिनोट करता है। उसके बाद होता है TH टैग, जो कि टेबल की फर्स्ट रो के डेटा को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद होता है TD टैग, जो कि टेबल के जो बाकी के डेटा होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं कि जो TH और TD टैग होता है वो टेबल की जो सेल होती है उसको बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ गए हो तो आप आसानी से HTML के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम टेबल की कुछ हेडिंग देना चाहते हैं, टेबल का एक नाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कैप्शन टैग का भी यूज कर सकते हैं। जो कैप्शन टैग होता है वो एक पेयर टैग होता है, यानी कि पेयर के अंदर होता है। अगर हम अपने टेबल को एक नाम देना चाहते हैं तो उस टेबल को हम कैप्शन टैग की हेल्प से नाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम HTML के अंदर टेबल बना सकते हैं और अपने टेबल को एक और अच्छा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए भी हम टेबल के अंदर अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे तो हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए जो टेबल के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको टेबल और लिस्ट टैग के बारे में जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरे को भी पता लग जाए कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो उस केस में आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो और टेबल से जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।